हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही काम की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और वो वीडियो है कि जैसे कि अगर आपके पास ऑलरेडी पीसी है या लैपटॉप है या आप कभी फ्यूचर में लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको भी इस प्रॉब्लम से फेस होना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप पीसी या लैपटॉप में कभी हार्ड रीसेट मारते हैं या आप कभी नया विंडोज इंस्टॉल करते हैं, आप खुद करते हैं, अगर एक्सपर्ट है तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर आप नए हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे कि जब हम वीडियो को अपलोड कर रहे होते हैं तो आधा तो हो जाता है बस बहुत सिलो 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 करके, लेकिन आधे के बाद वो एकदम पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। तो आप सोचते हो कि हमारे लैपटॉप या पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम हो गया, और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क बराबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई बराबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हो गया है, या ऑडियो प्रॉब्लम हो गया, या वीडियो प्रॉब्लम हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी, ये सब सारी प्रॉब्लम्स एक ड्राइवर की वजह से होता है, और लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा ड्राइवर मिसिंग है। तो गाइज, आप भी सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है कि जो ये सब सारी प्रॉब्लम को दूर कर दे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ और जो कि आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा एक क्लिक में। आप तो सोच रहे होंगे कि अरे जल्दी बताओ भाई, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, मैं फटाफट वो सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ और आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर का नाम है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, लेकिन जब अगर आप ऑफलाइन उसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें कम से कम आपका 10 GB या 12 GB तक का इसमें डेटा खर्च होएगा। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको ज़्यादा इसमें डाटा वेस्ट नहीं होएगा, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑनलाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इसको कहां से डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब आप उस ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपके लैपटॉप या पीसी में जो भी ड्राइवर मिसिंग है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कौन सा ड्राइवर मिसिंग है और किस वजह से ये मेरा जो प्रॉब्लम है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या ग्राफिक्स का हो गया, या डाउनलोडिंग अपलोडिंग का हो गया, ये क्यों हो रहा है, आपको पता नहीं होता है। अगर आप एक्सपर्ट है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं होता। तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, आपके लैपटॉप में या पीसी में जितने भी ड्राइवर मिसिंग है, वो सबको एनालाइज करेगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज खुल के आपके सामने आएगा, और आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, बस इतनी ही आपको यहाँ पर टाइप करना है। और टाइप करने के बाद फिर से एक पेज खुल के आपके सामने आएगा, और आपको यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, तीन लाइन को छोड़ देना है, और चौथे लाइन पर आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है ड्राइवर पैक ऑनलाइन, बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर से एक पेज खुल के आपके सामने आएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड ड्राइवर पैक ऑनलाइन, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये थोड़ा प्रोसेस होएगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके पहले ये गैलरी में अटैच हो जाएगा, यानी ये गैलरी में जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप किस लोकेशन पर इसको सेव करना चाहते हैं। तो मेरा सी ड्राइव में सेव हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड होना शुरू हो गया है, और डाउनलोड होने के बाद देन यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पूछ रहा है ओपन या फिर शो इन फोल्डर, तो देन यहाँ पर आपको सिर्फ शो इन फोल्डर पर वापस से क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये जिस लोकेशन पर सेव हुआ है वहाँ ये शो करने लगेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले से भी डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर दो दो शो कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ ये ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है ड्राइवर पैक 17 ऑनलाइन, सिर्फ यही शो करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, और जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे,
तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा और आप यहाँ पर यस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलिंग होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करना है और बीच से इसको कभी कट नहीं करना है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपके पीसी और नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और इंस्टॉल होने के बाद आपका पीसी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद स्क्रीन पर ड्राइवर का आइकॉन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर फिर से एक पेज खुल के आपके सामने आएगा, यहाँ पर दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, बस इसके बाद कट करके बाहर आ जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने लैपटॉप में या पीसी में ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।